हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे चैप्टर 9 में यूज ऑफ इन, ऑन एंड अंडर. आई एन इन, ओ एन ऑन, यू एन डी ई आर अंडर. इन, ऑन एंड अंडर. ओके, तो सबसे पहले देखते हैं आई एन इन. इन का मतलब होता है अंदर. अंदर यानी किसी चीज़ के अंदर. कोई भी चीज़ अगर किसी चीज़ के अंदर हो वो दिखाने के लिए इन का यूज़ किया जाता है. ओके, कोई चीज़ कहाँ पे है. इन, ऑन और अंडर, ये तीनों के तीनों किसी चीज़ के लोकेशन बताने के लिए यूज़ किया जाता है. इन का, ऑन का और अंडर का यूज़ कोई भी चीज़ कहाँ पे है, किस जगह पे है वो दिखाने के लिए, यानी कि लोकेशन दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है. तो इन का मतलब होता है अंदर, किसी चीज़ के अंदर. फॉर एग्ज़ाम्पल, ये मेरी पेंसिल है और ये बुक है. तो ये पेंसिल कहाँ है, बुक के अंदर है. मैंने बुक के अंदर रखी है तो ये हुआ अंदर, यानी इन. ओके, तो हमने ये पिक्चर्स के साथ एग्जांपल दिए हैं, वो देखने हैं. देखो, ये कप है, उसके अंदर चाय है ना. तो द टी इज इन द कप. टी, चाय कहाँ है, कप के अंदर है. इन है अंदर. द टी इज इन द कप. अब देखो, ये ग्लास है और उसके अंदर स्ट्रो है. द स्ट्रो इज इन द ग्लास. स्ट्रो कहाँ है, ग्लास के अंदर है. इन है अंदर. ओके, अब ये देखो, डॉग. द डॉग इज इन द कैनल. डॉग के घर को कैनल कहते हैं ना. हाँ, तो डॉग कहाँ है, उसके घर के अंदर, कैनल के अंदर. तो यहाँ भी इनका यूज आया, क्योंकि डॉग अंदर है, कैनल के अंदर. द रैबिट इज इन द हैट. रैबिट कहाँ है, हेड के अंदर बैठा हुआ है ना, हेड के अंदर है. तो इस सारे पिक्चर में देखो कि चाय जो है, टी है, वो कप के अंदर है. स्ट्रो है, वो ग्लास के अंदर है. डॉग है, वो कैनाल के अंदर है. एंड रैबिट है, वो हेड के अंदर है. तो कोई भी चीज़ अंदर है वो दिखाने के लिए हमने यहाँ पे इन का यूज़ किया है. तो द टी इज़ इन द कप. The straw is in the glass. The dog is in the kennel. The rabbit is in the hat. In yani andar. अब दूसरा word है on. O N on. On yani ऊपर. क्या? On yani ऊपर. फिर से देखते हैं, ये मेरी book है और ये pencil है. तो मैंने अभी pencil कहाँ पे रखी है, book के ऊपर रखी है ना. तो on. Okay? तो पेंसिल का लोकेशन बताता है कि पेंसिल कहाँ पे है, बुक के ऊपर है. ओके, तो देखो यहाँ पे भी एग्जांपल्स है पिक्चर्स के साथ. ये चेयर है और ये लड़का बैठा हुआ है. द बॉय इज सीटिंग ऑन द चेयर. देखा, लड़का कहाँ पे है, चेयर के ऊपर बैठा है. ऊपर, ऑन यानी ऊपर. अब ये पिक्चर में देखो, द बॉल इज ऑन द टेबल. बॉल कहाँ है, टेबल के ऊपर है. अब देखो, ये दीवार है और उसके ऊपर पिक्चर लगा हुआ है. देखो अच्छे से, द पिक्चर इज ऑन द वॉल. पिक्चर कहाँ है, वॉल के ऊपर, दीवार पे टंगी हुई है ना, दीवार के ऊपर है, लगी हुई है ना, टंगी हुई है. तो द पिक्चर इज ऑन द वॉल. तो यहाँ पे भी ऑन, यहाँ पे भी ऑन, यानी ऑन यानी ऊपर. कोई भी चीज़ कहाँ है, किसी के ऊपर है, वो दिखाने के लिए ऑन का यूज़ किया जाता है. अब देखो, यहाँ पे ट्री है. द नेस्ट इज ऑन द ट्री. नेस्ट कहाँ पे है, ऑन द ट्री, है ना. तो यहाँ पे देखो, जो लड़का है वो चेयर पे बैठा हुआ है, चेयर के ऊपर. बॉल है, वो टेबल के ऊपर है. पिक्चर है, वो दीवार के ऊपर है. और यहाँ पे जो नेस्ट है वो ट्री के ऊपर है. तो ऊपर दिखाने के लिए ऑन का यूज़ किया जाता है. द बॉय इज सीटिंग ऑन द चेयर. द बॉल इज ऑन द टेबल. द पिक्चर इज ऑन द वॉल.
द नेस्ट इज ऑन द ट्री। अब है अंडर, UNDER, अंडर, अंडर यानी नीचे, किसी चीज के नीचे, है ना, किसी चीज के नीचे दिखाने के लिए अंडर का यूज किया जाता है। कोई भी चीज किसके नीचे है वो दिखाने के लिए। अब देखो, ये फिर से मेरी बुक है और ये पेंसिल है। अब बुक कहाँ, पेंसिल कहाँ है, देखो पेंसिल कहाँ पे है, बुक के नीचे, यहाँ पे देखो मैंने रखी हुई है, ये रख रही हूँ। तो पेंसिल कहाँ है, पेंसिल मेरी वो बुक के नीचे है। पेंसिल कहाँ है, बुक के नीचे है, देखो नीचे। तो नीचे, किसी चीज के नीचे किसी चीज को दिखाने के लिए अंडर का यूज किया जाता है। हम पिक्चर के साथ एग्जांपल देखते हैं। देखो ये चेयर है और ये बॉल है, तो कहाँ पे है बॉल, चेयर के नीचे है, अंडर। ओके, इसे क्या पढ़ा जाता है, अंडर, अंडर यानी नीचे। द बॉल इज अंडर द चेयर, बॉल कहाँ है, चेयर के अंडर, चेयर के नीचे है। द कैट इज अंडर द चेयर, चेयर नहीं यहाँ पे बेड कर देना, अंडर द बेड। द कैट इज अंडर द बेड, कैट कहाँ है, बेड के नीचे है, अंडर नीचे। ओके, द काइट इज अंडर द टेबल, काइट कहाँ है, देखो टेबल के नीचे है, किसी चीज के नीचे, टेबल के नीचे, तो अंडर द टेबल, काइट टेबल के नीचे है। अब देखो ट्री के नीचे क्या है, लायन है। द लायन इज अंडर द ट्री, लायन कहाँ है, ट्री के नीचे है, है ना। तो अंडर का यूज कब किया जाता है, कोई भी चीज किसी चीज के नीचे है वो दिखाने के लिए अंडर का यूज किया जाता है। यहाँ पे देखो, द बॉल इज अंडर द चेयर, बॉल चेयर के नीचे है। द कैट इज अंडर द बेड, कैट जो है वो बेड के नीचे है। द काइट इज अंडर द टेबल, काइट है वो टेबल के नीचे है। द लाइन इज अंडर द ट्री, लायन है वो ट्री के नीचे है। तो हमने देखा कि इन, ऑन और अंडर का यूज़ कब किया जाता है। इनका यूज़ कब किया जाता है, कोई भी चीज़ किसी के अंदर हो वो दिखाने के लिए इनका यूज़ किया जाता है, इन यानी अंदर। ऑन का कब यूज़ किया जाता है, कोई भी चीज़ किसी के ऊपर है वो दिखाने के लिए ऑन का यूज़ किया जाता है, यानी ऑन यानी ऊपर। और अंडर यानी नीचे, कोई भी चीज़ किसी चीज़ के नीचे है, किसी के नीचे है वो दिखाने के लिए अंडर का यूज किया जाता है। आके देखते हैं उसकी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज राइट इन, ऑन और अंडर, इन तीनों में से आपको सही जो है वो पिक्चर्स के अनुसार आपको चूज करना है और लिखना है। फर्स्ट देखो, पिक्चर देखो, ये टेबल है और ये बॉल है। द बॉल इज ब्लैंक द टेबल, अब बॉल कहाँ है, टेबल, ये देखो उसके टेबल्स के पैर दिख रहे हैं ना। द बॉल इज अंडर द टेबल, द बॉल इज अंडर, नीचे, अंडर द टेबल। द बॉल इज ब्लैंक द हैट, बॉल कहाँ है, ये देखो हैट के ऊपर है। द बॉल इज ऑन द हैट, हैट के ऊपर है। अब देखो, द बॉल इज ब्लैंक द बास्केट, अब बास्केट में देखो बॉल कहाँ है, बास्केट के अंदर है। द बॉल इज इन द बास्केट, अंदर है इसलिए इन। द एप्पल इज ब्लैंक द बॉक्स, एप्पल कहाँ है, देखो इस पिक्चर में बॉक्स के ऊपर है, तो ऑन द बॉक्स। द बर्ड इज ब्लैंक द अम्ब्रेला, बर्ड कहाँ है, अम्ब्रेला के नीचे है, तो अंडर। द बर्ड इज अंडर द अम्ब्रेला। अब देखो सिक्स पिक्चर में क्या है, द लैम्प, ये टेबल के ऊपर क्या है, लैम्प है। द लैम्प इज ब्लैंक द टेबल, द लैम्प इज ऑन द टेबल। तो इस तरह से आप दूसरे पिक्चर को ड्रॉ कर सकते हो और मम्मी पापा के साथ बैठ के दूसरे पिक्चर ड्रॉ करो
मम्मी को बोलो ड्रॉ करके दे और आप उसका आंसर लिखो कि वो कहाँ पे है, ऑन है, इन है, अंडर है ना। ओके बच्चों, थैंक यू।